हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ब्लाउज डिजाइन को शेयर करने वाले हैं जो कि बेसिक नहीं है, कॉमन नहीं है, थोड़े से अनयूजुअल हैं। ऑल्सो ये वीडियो बनाने से पहले हमारा फोकस इस चीज पे ज्यादा नहीं था कि हम आपके साथ ज्यादा नंबर ऑफ डिजाइन को शेयर करें। हम चाहते थे हम ऐसे डिजाइन को शेयर करें जो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप पहन सकता है, जो आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा ट्रेंड के मोहताज नहीं है, कम्फर्टेबल है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारे यहाँ पे थी वो कम्फर्टेबल था। सो वी हैव ट्राइड कि हम हर क्राइटेरिया में से ऐसे ब्लाउजेस निकाल के सामने लेके आए जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो एक एज ग्रुप तक, एक पार्टी या एक फंक्शन तक। सो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो याद से इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आपके पास कोई भी डिजाइन या स्टाइल से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वैसे तो आपको हर जवाब हमारी वीडियोस में से मिल जाएगा, बट स्टिल अगर आपको एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। ऑल्सो इस कंसल्टेशन के लिए आपको एक बहुत छोटी, बहुत कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सो इसका कंप्लीट गाइडलाइन और आपको अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा जब आप हमें ईमेल करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। ये वाला जो डिजाइन है ये सब एज ग्रुप्स के लिए परफेक्ट है। आप 20s में है, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s एंड सो ऑन। तो ये हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। सिंपली आपकी जो भी साड़ीज हैं, चाहे कॉटन साड़ीज हैं, लिनन साड़ीज हैं, इवन आपकी जो सिल्क साड़ीज हैं, उनके साथ आप प्लीटेड या गैदर्ड ट्यूनिक पेयर अप कर सकते हैं। सो यू नो, अगर आप समर सीजन है, अगर आप सिंपल कॉटन या लिनन में इस तरीके की ट्यूनिक बनवा लेंगे, ना सिर्फ आप उसे एज अ ट्यूनिक पहन सकते हैं बल्कि इस तरीके से अपनी साड़ीज के साथ एक बहुत एलिगेंट लुक आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो आप इसे बेसिक न्यूट्रल कलर में खरीद लीजिए तो एक ही ट्यूनिक आपकी बहुत सी साड़ीज के साथ आप पेयर अप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक ऐसा पैटर्न है जो आप अपने ऑफिसेस के लिए भी पहन सकते हैं। सो यू नो इट डिपेंड्स ऑन द फैब्रिक एंड द कलर्स यू पिक। तो न्यूट्रल कलर्स पिक कीजिए, लिनन्स के साथ, कॉटन्स के साथ आप जा सकते हैं, इवन प्लेन जॉर्जेट्स या टेक्स्चर्ड जो कॉटन आपको मिलती है उसमें भी इस तरीके की ट्यूनिक्स आप पहन सकते हैं। अगर आप आउटिंग्स के लिए जा रहे हैं, आपके घर में एक छोटी सी गैदरिंग है, ऐसे ओकेजन्स के लिए भी जो पैटर्न है ये मोस्ट सुटेबल है। आप प्लस साइज है, आपका स्लिमर बॉडी फ्रेम है, इस केस में भी ये जो पैटर्न है आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ऑल्सो अगर आपको बेसिक और मिनिमल स्टाइल्स पसंद है तो आप स्ट्राइप ब्लाउजेस के साथ भी जा सकते हैं। आप स्ट्राइप्स को लेकर एक धारणा होती है कि ये ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। आप स्ट्राइप ब्लाउजेस को ऑफिस वेयर के लिए भी कैरी कर सकते हैं, कैजुअल साड़ीज के साथ भी कैरी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपकी जो पार्टी वेयर कलेक्शन है उसके लिए भी स्ट्राइप ब्लाउजेस आर परफेक्ट। अब स्ट्राइप्स चाहे प्रिंट में हो या एम्ब्रॉयडर्ड हो, स्ट्राइप्स का जो पैटर्न है इट्स वेरी बेसिक, वेरी एलिगेंट, वेरी डिसेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फॉरएवर है। तो अगर आप बेसिक कलर्स में स्ट्राइप्स में ब्लाउजेस बनाते हैं तो आपकी मैक्सिमम साड़ीज के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हैं, फिर चाहे वो कैजुअल हो या फिर आपकी पार्टी वेयर साड़ीज हो। अब ये जो डिजाइन है ये पिछले वाले डिजाइन से टोटली डिफरेंट है। ये ना तो बेसिक है और ना ही मिनिमल है, बट इट्स परफेक्ट फॉर योर पार्टी वेयर कलेक्शन। अगर आपके पास ब्रोकेड के डिफरेंट पीसेस पड़े हैं या ऐसे ब्लाउज के लिए आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। द थिंग इज, आपको एक ही ब्लाउज में डिफरेंट कलर्स ब्रोकेड के यूज करने हैं, डिफरेंट पैटर्न्स यूज करने हैं, और ये जो ब्लाउज है ये परफेक्ट रहेगा आपकी ऑलमोस्ट हर प्लेन साड़ी के साथ। जॉर्जेट की साड़ीज हो सकती है, शिमर साड़ीज हो सकती है, सिल्क की साड़ी हो सकती है, आपकी लिनन साड़ीज हो सकती है, द वंस जो आपने पार्टी वेयर कलेक्शन के लिए रखी हुई है, ऐसी कोई भी साड़ीज जो आपकी पार्टी वेयर कलेक्शन का हिस्सा है उनके साथ ये ब्लाउजेस परफेक्ट लगेंगे। वन थिंग मोर, क्योंकि इस साड़ी में इतने पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया, इतने कलर्स का इस्तेमाल हो रहे हैं, डिफरेंट ब्रोकेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेक श्योर आप इसे एक डेफिनेशन देने के लिए, टू डिफाइन द होल लुक ऑफ द ब्लाउज, आप उसकी नेक लाइन और स्लीव्स के ऊपर कोई भी पतली लेस का इस्तेमाल कीजिए। अब ये सेम डिजाइन आपके एवरीडे ब्लाउजेस में भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। आपके जो कॉटन के ब्लाउजेस हैं उसमें भी डिफरेंस यही है कि आपको फैब्रिक स्विच करना है, आपको ब्रोकेड की जगह कॉटन फैब्रिक पिक करना है डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट प्रिंट्स में। तो ये एग्जैक्ट सेम डिजाइन आपकी कैजुअल साड़ी या एवरीडे जो साड़ी है उसके साथ भी कैरी किया जा सकता है। अब ये जो डिजाइन है ये समर साड़ीज के लिए परफेक्ट है। केडिया टॉप्स जो होते हैं, केडिया ब्लाउजेस इन्हें कहा जाता है, ये इंस्पायर्ड होते हैं डांडिया ड्रेस से। तो ये जो ब्लाउजेस हैं या इन्हें टॉप्स आप कह सकते हैं, आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं, अदरवाइज आप इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। नाउ द सेम पैटर्न अगर आप डिफरेंट फैब्रिक्स में बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पार्टी वेयर में ये इस तरीके का लगेगा एंड कैजुअल वेयर में आप इसे कॉटन्स में बना सकते हैं। नेक्स्ट है कोटी स्टाइल ब्लाउजेस, ऐसे ब्लाउजेस जो आपको एक लेयर्ड ब्लाउज लुक देने में काफी हेल्प करेगा। अब ये टू पीस में भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट लेयर्स भी हो सकती हैं,
ऑल्सो आप सिंगल पीस में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन दिखने में दोनों जो डिजाइन है पैटर्न है वो सेम ही लगेंगे। अगर आप इसे एक सटल लुक देना चाहते हैं तो जो दोनों लेयर्स टॉप और बॉटम लेयर है आपका, वो आप एक ही कलर की सेम कलर की फैमिली में से क्रिएट करवा सकते हैं, सो दैट एक यू नो एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट ना हो यहाँ पे। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक पार्टी वेयर लुक क्रिएट करना चाहते हैं, हेवी पार्टी वेयर साड़ी का लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके जो ब्लाउजेज हैं इनके फैब्रिक्स एम्ब्रॉयडर्ड हो सकते हैं, यू नो जूल टोन्स में हो सकते हैं, जो भी इंडियन पार्टी वेयर के कलर्स होते हैं उसमें आप इसे पिकअप कर सकते हैं। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।